अब हम डिप्रिसिएशन पे एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ये एग्जाम्पल भी स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड है एक बार हम अपने क्वेश्चन का रीडिंग लेते हैं हमारा क्वेश्चन है ए बी सी लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2001 फॉर रुपीज़ थ्री लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड स्पेंट रुपीज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन ए बी सी लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को जिसका प्राइस है थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और उस पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के इंस्टॉलेशन के स्पेंड किए आगे लिखा है ऑन जुलाई वन टू थाउजेंड फो मशीनरी वाजोर फो लैख और यह मशीन जो अप्रैल वन टू थाउजेंड वन को खरीदी थी इसे जुलाई वन टू थाउजेंड फोर को सेल कर दिया टू लैख में आगे दिया है डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट टेन परसेंट पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और लाइन मेथड हमें टेन परसेंट पर एन के रेट से डिप्रिसिएशन लगाना है और हमारे डिप्रिसिएशन का मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड ये दोनों एक ही हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड एक ही मेथड के नाम है इस मेथड में डिप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है फिर आगे लिखा है अकाउंट्स आर क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर अकाउंट्स हर साल थर्टी फर्स्ट मार्च को क्लोज किए जाते हैं अब हम सल्यूशन पे आते हैं सबसे पहले हमें एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करना है एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें गिवन है टेन परसेंट अपॉन हंड्रेड कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारी फोर लाख ये हमें दिया है क्वेश्चन में मशीन का प्राइस थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंस्टॉलेशन के दोनों को प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया फोर लैख इसका टेन परसेंट हमने फाइंड किया तो एनुअल डिप्रीसीशन आया फोर्टी थाउजेंड अब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट की ये साइड डेबिट साइड है और दूसरी साइड क्रेडिट साइड है यह मशीनरी अकाउंट की मिड लाइन है मशीनरी अकाउंट के कॉलम्स हैं डेट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम यहां रुपीज लिखेंगे डेट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम यहां रुपीज लिखेंगे एबीसी लिमिटेड ने फर्स्ट अप्रैल 2001 को मशीनरी परचेज की थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड में और इस पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के इंस्टॉलेशन पे किए इन्हें हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक पर्टिकुलर्स में और थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अमाउंट कॉलम में टू बैंक अगेन इंस्टॉलेशन के लिए और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अमाउंट कॉलम में और डेट डाल देंगे अप्रैल वन टू थाउजेंड वन हमारे अकाउंट्स हर साल थर्टी फर्स्ट मार्च को क्लोज होते हैं तो क्रेडिट साइड पे डेट डाल देंगे मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड टू पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डिप्रीसीशन और अमाउंट में लिखेंगे फोर्टी थाउजेंड जो हमने एनुअल डिप्रिसिएशन फाइंड किया था और फिर मार्च थर्टी फर्स्ट को अकाउंट्स को क्लोज करेंगे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन और बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे फोर लाख ,00 की हमारी मशीनरी थी जिसमें से हमने फोर्टी थाउजेंड डिप्रिसिएशन लगाया तो बैलेंस कैरेट डाउन रह गया थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड अप्रैल वन टू थाउजेंड वन को हमने मशीन खरीदी और अकाउंट्स क्लोज करते हैं हर साल मार्च थर्टी फर्स्ट को तो इस तरह से हमारी क्लोजिंग डेट होगी मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड टू मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड टू को हमने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन फोर्टी थाउजेंड और मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड टू को ही हमने बैलेंस कैरेट डाउन फाइंड किया थ्री सिक्सटी थाउजेंड दोनों साइड का टोटल लिखेंगे फोर लाख फोर लाख जो हमने यहाँ बाय बैलेंस कैरेट डाउन फाइंड किया है इसे नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग की डेट को ट्रांसफर कर देंगे और लिखेंगे टू बैलेंस फ्रॉड डाउन थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड यहाँ हम डेट डालेंगे अप्रैल वन टू थाउजेंड टू हमने ईयर एंड किया मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड टू को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट किया फ़र्स्ट अप्रैल 2002 को और जो हमने बाय बैलेंस कैरेट डाउन थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड फाइंड किया था उसे हम यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड क्योंकि हमारी क्लोजिंग डेट थर्टी फर्स्ट मार्च है तो हम यहाँ लिखेंगे मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड थ्री क्लोजिंग डेट को हम अपना डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन फोर्टी थाउजेंड और थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड में से फोटी थाउजेंड लेस करके हमारा बैलेंस बचता है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड जिसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन और डेट डालेंगे मार्च थर्टी फर्स्ट अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल वन टू थाउजेंड थ्री और जो हमने बाय बैलेंस कैरेट डाउन फाइंड किया था मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड थ्री को थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड उसे हम अप्रैल वन टू थाउजेंड थ्री को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड और हम अपना ईयर एंड करेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर को इस क्लोजिंग डेट को हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रीसीशन फोर्टी थाउजेंड और क्लोजिंग डेट को सेम डेट मार्च थर्टी फर्स्ट को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड में से फोर्टी थाउजेंड डप्रीसीशन लेस करके बैलेंस कैरेट डाउन बचता है टू लाख एटी थाउजेंड और दोनों साइड का टोटल लिख देंगे थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड इस साइड का भी टोटल थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड हमने यहाँ मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड फोर को बैलेंस कैरेट डाउन फाइन किया टू लाख एटी थाउजेंड इसे हम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर को ड्रॉड डाउन करके यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ड्रॉट डाउन टू लाख एटी थाउजेंड अब हम क्वेश्चन की एक ट्रांजैक्शन पे आते हैं जिसका अब यूज़ है ऑन जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड फोर मशीनरी वाज सोल फोर टू लैख जुलाई वन टू थाउजेंड फोर को मशीनरी को टू लैख ,00 में बेच दिया अब हम वापस सल्यूशन पर आते हैं जुलाई वन टू थाउजेंड फो को मशीनरी को टू लाख ,00 में सेल कर दिया इसे हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट टू लाख अमाउंट कॉलम में और डेट होगी जुलाई वन टू थाउजेंड फोर हमने मशीन को जुलाई वन टू थाउजेंड फोर को सेल कर दिया अप्रैल टू थाउजेंड फोर को हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल वन टू थाउजेंड फोर को हमारा ईयर स्टार्ट होता है और हमने मशीन बेची जुलाई वन टू थाउजेंड फोर को तो अप्रैल वन से लेकर जुलाई वन तक महीने होते हैं तीन तो तीन महीने तक मशीनरी हमारे पास थी तो अब हम सिर्फ तीन महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे साल का जो डिप्रिसशन है वो है फोर्टी थाउजेंड लेकिन हमें अब सिर्फ तीन महीने का डिप्रिसिएशन लगाना है अप्रैल टू जुलाई यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रीसीशन और यहाँ लिखा तीन महीने का डिप्रिसिएशन टेन थाउजेंड ये कैसे आया ये आया जो हमारे फुल ईयर का पूरे साल का डिप्रीसीशन है चालीस हज़ार चालीस हज़ार को हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाय ट्वेल्व से थ्री अपॉन ट्वेल्व से फोर्टी थाउजेंड इंटू थ्री अपॉन ट्वेल्व तो आएगा टेन थाउजेंड चालीस हज़ार एक साल का है तो तीन महीने का कितना होगा इंटू थ्री बाय ट्वेल्व कर देंगे तो तीन महीने का डिप्रिसिएशन आएगा तो फोर्टी थाउजेंड इंटू थ्री अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू टेन थाउजेंड तीन महीने का डेप्रिसिएशन आया जिसे हम यहाँ लिख देंगे और अब हमें एक स्टेप और करना है यहाँ ब्रॉड डाउन है टू लाख एटी थाउजेंड टू लाख एटी थाउजेंड में से टेन थाउजेंड और टू लैख ,00 को लेस करेंगे तो बैलेंस बचता है सेवेंटी थाउजेंड मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ टू लाख एटी थाउजेंड में से टेन थाउजेंड और टू लाख ,00 को लेस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा सेवेंटी थाउजेंड और यहाँ लिखेंगे जुलाई वन को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और, और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ़ मशीन मशीन को बेचने से हमें सेवेंटी थाउजेंड का लॉस हुआ और दोनों साइड का टोटल लिख देंगे इधर का भी टू एटी इधर का भी टू लाख एटी थाउजेंड